हेलो बच्चों मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आज फिर हाजिर हुआ हूं मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर तीन लेकर जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज करेंगे और आज का टॉपिक है एक्सलेशन एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी ब्रेन स्टॉर्मिंग या हॉट क्वेश्चन रहेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन उनको हम आज करेंगे और बच्चों अगला लेक्चर नंबर जो चार रहेगा वो रहेगा एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अंगेंस्ट ग्रेविटी के ऊपर तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेज वेन बेटा जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो उसके बाद चेक करो कि किस किस के आंसर जो हैं ठीक है ओके द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन इज सी बोथ ए एंड बी अब ए में क्या है देखो बेटा डायरेक्शन ऑफ बिलोसटी चेंजेस नंबर बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बिलासटी चेंजेस तो एक्सेलेशन जो है ये दोनों ही होता है क्योंकि एक्सेलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट चेंजेस व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए पार्टिकल मूवस विद एन एक्सलेशन देन विच ऑर द फॉलोइंग कैन रिमेन कॉन्स्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ए ऑप्शन है इसमें बोथ स्पीड एंड विलासटी बी ऑप्शन है बेटा इसमें नाइदर स्पीड नॉर विलासटी सी ऑप्शन है बेटा इसमें ऑनली द विलासटी एंड डी ऑप्शन है only the speed the right answer is option number d next question is the distance traveled by a particle is proportional to square of time then the particle travels with फर्स्ट ऑप्शन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन, बी पार्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सी बोथ ए एंड बी एंड डी स्पीड चेंजेस जल्दी से जल्दी बेटा इसका आंसर दो ओके देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम मीन्स एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम जब भी हम साइन ऑफ प्रपोर्शनलिटी को हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा दैट इज के तो बन जाएगा एस इज इक्वल टू के टी स्क्र हमें बताया कि एक्सेलेशन इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास के एंड दैट इज के मीनज कॉन्स्टेंट तो ऑप्शन ए इज अ right answer uniform acceleration next question number 4 suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with constant speed 10 meter per second it implies that the boy is जल्दी से जल्दी बेटा इसका आंसर दो इसकी फर्स्ट ऑप्शन है एट रेस्ट बी ऑप्शन मूविंग विद नो एक्सेलेशन सी ऑप्शन इन कॉन्स्टेंट सॉरी इन एक्सेलेटेड मोशन एंड डी ऑप्शन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा मैरी गो राउंड आपने देखा ही होगा कि जब फेयर लगते हैं या मेले लगते हैं तो उसमें एक झूला होता है जो गोल गोल घूमता है बच्चों के लिए उसमें बैठने के लिए कई बार हाथी होते हैं या घोड़े होते हैं या सिंपल चेयर टाइप में होती है जो कि गोल गोल राउंड में घूमती रहती है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है चलो बेटा इसका राइट आंसर है इन एक्सेलेटेड मोशन ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फाइव एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द एक्सलेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बेटा जिसने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है या फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो सेकंड वीडियो मेरी जो स्पीड एंड वेलोसिटी को के ऊपर है वो देख सकता है क्योंकि उसमें आपको इसी से रिलेटेड हालांकि ये एक्सेलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बिलोस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन आटमोस्ट यही क्वेश्चन है एट पर्टिकुलर टाइम द एक्सेलेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द ऑप्शन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड उसमें था इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड स्पीडोमीटर टेलस इंस्टेंटेनियस स्पीड क्वेश्चन नंबर सिक्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल जो क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ऑप्शन है वी प्लस v1 वन प्लस वी टू अपॉन टी बी ऑप्शन है v1 वन वी टू अपॉन टी सी ऑप्शन इज v1 वन माइनस वी टू अपॉन टी एंड डी ऑप्शन इज v2 टू माइनस वी अपॉन टी तो देखो बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी मीन्स फाइनल विलोसिटी माइनस इनिशियल विलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सेवन है बेटा ए साइक्लिस्ट ड्राइव एट थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर स्टॉप हि साइकिल इन टू सेकेंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द रिटार्डेशन इज जल्दी से बेटा इसका आंसर दो चलो कोशिश करते हैं आप देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास यू इज़ इक्वल टू थर्टी सिक्स क्योंकि किलोमीटर पर आवर दे रखी है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि आंसर जो है हमारे सारे ही ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ़ाइव अपॉन एटीन से एटीन वन या एटीन एटीन टू सिक्स एंड यू इज इकल टू टू फाइव टेन मीटर पर सेकेंड तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई टेन मीटर पर सेकेंड टाइम कितना दे रखा हमारे पास टू सेकेंड एंड रिलेशन इज वी इज इक्ल टू यू प्लस ए टी बिकॉज वी इज टू जीरो फाइनली बॉडी क्या हो रही है स्टॉप हो रही है साइकिल और यू इज टू टेन प्लस ए पता करना है एंड टाइम इज टू सेकेंड तो बेटा याद है माइनस टेन इज इकल टू टू ए एंड ए इज इकल टू माइनस फाइव ये तो आया हमारे बेट बेटा एक्सेशन बट पूछा हुआ क्या है रिटार्डेशन रिटार्डेशन इज इकल टू माइनस ऑफ एक्सलेशन एंड दैट इज माइनस माइनस ऑफ फाइव इज इकल टू प्लस फाइव ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर एट ए कार एक्सेलेट यूनिफॉर्मली विद फाइव मीटर पर सेकेंड टू फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड इन फोर सेकेंड वट इज द एक्सेलेशन ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड स्क्टा अपने आंसर कॉमेंट बॉक्स में लिखो फिर बाद में चेक करो कि आपका आंसर क्या सही था या गलत तो चलो कर, करते हैं इसको एक्सेलेशन चेंज इन बलोस्टी दैट इज थर्टीन माइनस फाइव अपॉन टाइम फोर सेकेंड एट अपॉन फोर दैट इज ए टू मीटर पर सेकेंड आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट चल दे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन ए कार ट्रेवल एट फोर्टी किलोमीटर पर आवर स्लो डाउन टू फिफ्टी किलोमीटर पर आवर

देखो बेटा जो फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर्स किलोमीटर पर आवर्स में है टाइम मिनट्स में है तो हमें मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा थर्टी मिनट्स मीन्स वन अपॉन टू आवर्स तो ऊपर बचेगा हमारे पास माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टू नीचे है तो टू चला जाएगा मल्टीप्लाई में दैट इज ए माइनस फोर्टी किलोमीटर पर आवर्स के ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर उसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर टेन है ए बॉल रोल्स एन इनक्लाइन ट्रैक टू मीटर लॉन्ग इन फोर सेकेंड इट्स एक्सेलेशन इज एक बॉल है जो इनक्लाइन कर रही है टू मीटर लॉन्ग इनक्लाइन प्लेन पे और रीच कर रही है ग्राउंड को फोर सेकेंड में तो इसका एक्सलेशन बताना है जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो और चेक करो कि किस किस का आंसर ठीक था ओके okay. तो बेटा इसमें रिलेशन लगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर यू टी प्लस हाफ ए टी डिस्टेंस कितना है उसका टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ज़ीरो क्योंकि वो ड्रॉप की हुई है प्लस वन अपॉन टू ए इंटू फोर स्क्वेयर तो दैट इज़ टू इज इकल टू वन अपॉन टू ए इंटू सिक्सटीन तो ये आ जाएगा एट तो आ जाएगा ए इजिकल टू टू अपॉन एट वन अपॉन फोर एंड दैट इज जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज़ अ राइट आंसर बेटा तो ये थे बेटा दस मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यू रिलेटेड टू एक्सलेशन तो बेटा ज अगला जो टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर फोर ऑन फ्री फॉल और ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड इन डायरेक्शंस मीन्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड माइनस जी तो बेटा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बेटा